स्मार्टफोन अंडर 10,000 बहुत ही बढ़िया वीडियो में आज आपको स्मार्टफोन बताने जा रहा हूँ अंडर 10,000, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो यार ये लिस्ट होगी 5, 4, 3, 2, 1 की। तुम्हारा फिफ्थ नंबर पे स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F12 और M12। भाई सैमसंग भी इस रेस में आ गया है थोड़े से भाई डिसेंट स्पेक्स लेके, ठीक है। जिसको जिसको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए वो भाई अपने पैसे ऐसे करके सैमसंग को दे सकते हैं। 6.5 इंच की 720p की डिस्प्ले, 4+64GB का रैम ऑप्शन, 48+5+2+2, इन्होंने भाई लड़ी लगा दी है जैसे दिवाली में लड़ी नहीं लगती जैसे पटाखों की वैसे लगा दी है। 8GB 8MP का फ्रंट कैमरा, साथ में 6000mAh की बैटरी, साथ में 90Hz की रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलती है, तो आपका स्मूथ डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। साथ में आपको Exynos 850 प्रोसेसर देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी F12 M12 ऑलमोस्ट सेम है फोन, एक अमेजोन पर मिलता है, एक फ्लिपकार्ट पर मिलता है, दोनों का भाईचारा नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए अलग अलग ये बेच रहे हैं फोन्स। तो अगला हमारा स्मार्टफोन है Micromax In1, ठीक है। इंडियन कंपनी आ चुकी है इस रेस में और घोड़े की रेस हो रही है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ यार आपसे, यार स्मार्टफोन की जो रेस हो रही है 6.67 इंच की 1080p की डिस्प्ले, Helios G80 प्रोसेसर, हमें 4GB+64GB के रैम ऑप्शन, 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, हमें 48+2+2 के बैक कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, 999 10,000 रुपये आप इसकी कीमत है, तो आप आराम से पैसे लुटा सकते हो इस पे, मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है, दे भी सकते हो। Helios G80 प्रोसेसर मिल रहा है, एक अच्छा प्रोसेसर है 10,000 रुपये के रेट में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगले जो तीन स्मार्टफोन है आपको पहले बता दूँ कोई भी लाइन वाइज नहीं है, आप उनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा आप ले सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अगला हमारा स्मार्टफोन है कौन सा है, Realme Narzo 30 है। Realme तो भाई आपको पता ही है, हर हफ्ते हर महीने ऐसे लगता है कि इनका नया स्मार्टफोन आ रहा है भाई, इतने तो मतलब टीवी शोज नहीं आते भाई, सच बता रहा हूँ, जितने आपको Realme के फोन देखने को मिल जाते हैं। 6.5 इंच की 1080p की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, Helios G80 प्रोसेसर, हमने 4GB+64GB के रैम ऑप्शन, 13+2 के बैक कैमरा, हमने 8MP का फ्रंट कैमरा, साथ में 6000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। 6000mAh की एक बहुत ही ट्रक भर के इन्होंने बैटरी आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आप आराम से दिल्ली टू बॉम्बे बढ़िया तरीके से जा सकते हो, आपकी बैटरी नहीं खत्म होगी, ठीक है। यार 10,000 रुपये का आपको फोन देखने को मिलता है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे स्मार्टफोन्स के। ये अगला हमारा स्मार्टफोन है कौन सा स्मार्टफोन है, क्या लगता है आपको, Poco M3 आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। ये भी कितने का स्मार्टफोन है, 10-11 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है, ऑफर्स में 10,000 का मिलता है, वैसे आपको 11,000 रुपये के आसपास मिलता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो रेड कलर की शर्ट या मैरून कलर की शर्ट भी पहन के आ गया हूँ। 6.5 इंच की आपको 1080p की डिस्प्ले, साथ में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, आपने 48+2+2 के बैक कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा, आपने 6000mAh की आपको बैटरी, +6+64GB का ये ऑप्शन है, सभी जितने भी स्मार्टफोन है ये प्लस है 6+64GB, ठीक है, 6GB रैम वाला। अगर आपको 6GB रैम ही चाहिए भाई, आपके दिमाग में बैठ गई है बात कि नहीं भाई अगर हमको ये गाड़ी चाहिए तो यही गाड़ी चाहिए, ठीक है, हम ये लड्डू खाएंगे तो यही लड्डू खाएंगे, तो आपको 6GB रैम चाहिए तो आप Poco M3 कंसिडर कर सकते हो। 10999 इसकी प्राइसिंग है, ऑफर्स में बहुत ज्यादा 10,000 रुपए का मिलता है, ठीक है, तो आप ले सकते हो इस फोन की। अगर बात करो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मेन देखने को मिल रहा है, अगर आपको ऐसी ये स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर चाहिए तो आप Poco M3 जरूर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा स्मार्टफोन है कौन सा स्मार्टफोन, रेडमी की तरफ से। रेडमी तो भाई पीछे हटता ही नहीं है, जब भी ऐसे पीछे हटता है तो भाग के दौड़ लगा के आगे आ जाता है, वैसे Redmi 9 Power आपको देखने को मिलता है, Snapdragon 662 का प्रोसेसर, आज में 4+64GB के रैम ऑप्शन, 48+2+2 के बैक कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 6000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, 10,000 रुपीज की प्राइसिंग है, ठीक है। ये अच्छा स्मार्टफोन है, एक मतलब हाथ में आपको अच्छे से आ जाएगा फिट, ठीक है, जैसे कि अगर आपको बॉलिंग करने जा रहे हो भाग भाग के, बॉल जो है हाथ में फिट आती है तो अच्छे से बॉलिंग होती है, आप सीधा गिल्ली उड़ा सकते हो यॉर्कर मार के, ठीक है, जो ऐसे करता है वो मेरे कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे Redmi 9 Power है एक अच्छा स्मार्टफोन मेरे हिसाब से, ठीक है, कैमरा डिसेंट है, 6000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, इन हैंड फील अच्छी है स्मार्टफोन की, अगर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो कंसिडर कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं, 4+64GB के रैम ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 10,000 रुपीज का स्मार्टफोन है। देखो अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है, और आपको माइक्रोमैक्स नहीं लेना, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M12 या F12 को ले सकते हो, एक डिसेंट परफॉर्मर होगा मेरे हिसाब से। पर 720p डिस्प्ले, याद रखना 720p डिस्प्ले उतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं होती है क्वालिटी में, ठीक है, एवरेज डिस्प्ले होती है, पहली बता दूँ। अगर आपको देखो अगर आपको Realme का ही फ़ोन चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं Realme का ही फ़ोन चाहिए, एक अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए, Helios G85 आप ले सकते हो, आपका अच्छा काम हो जाएगा। अगर आपको 6GB रैम ही चाहिए तो आप Poco M3 ले सकते हो। अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप मेरे हिसाब से Poco या Redmi में से जा सकते हो, पर यार MIUI बहुत बड़ी दिक्कत है, MIUI में बग्स और एड्स
बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने का, क्योंकि MIUI में, Redmi में खासकर एड्स का बहुत ज़्यादा सीन है, Realme भी है पर Redmi में बहुत ज़्यादा MIUI का एड्स का ज़रूर ध्यान रख सकते हो। अगर आप, अब आपको MIUI नहीं पसंद है, एड्स या थोड़ी बहुत भी ब्लोटवेयर नहीं चाहिए तो Redmi को मत लेना, पहले आपको बता दूँ। Realme की तरफ आप जा सकते हो, या बहुत बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन भाई लॉन्च होने वाले, शायद Redmi 10 सीरीज इसी महीने अगले महीने लॉन्च हो जाए, तो उसके लिए ज़रूर आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको भाई और भी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो देखती है, आपको वीडियो दिख रही होगी यहाँ नीचे कहीं, ठीक है, वो देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।